तमिलनाडु के अब सेंटर में हूँ और ईस्ट में है कुमार। कुमारकम में अभी ठहरे हैं और ये है पैराडाइज रिजॉर्ट कुमारकम का। और कुमारकम और अलप्पी हम बोल देते हैं, वैसे इसका नाम जो है मलयालम में आड़पुड़ा है, शायद आड़पुड़ा। कुमारकम है एक टूरिस्टिक विलेज है वेम्बनाड लेक के ऊपर, और वेम्बनाड लेक के ऊपर ही ये जो है, ये वेम्बनाड लेक के ईस्ट साइड में कुमारकम है और वेस्ट साइड में अलप्पी टाउन है, अलप्पी सिटी है। तो दोनों ही अपनी अपनी सीनिक ब्यूटीज़ और जो है सीनिक ब्यूटीज़ के लिए और हाउस बोट्स के लिए बहुत पॉपुलर हैं। अभी हम पहुंच गए हैं केरला कुमारकम बैकवाटर्स। इस एरिया से हम जो हैं अभी, ये केरला टूरिज्म का जो ऑफिस है पीछे, और यहाँ पर जो है पार्किंग ऑफ बोट्स जो हैं, सभी बोट्स की पार्किंग है। तो विल चेक द बोट हाउ इट इज़, और फिर उसके बाद जो है वो बुकिंग बिठाते हैं। बोट बुक हो चुकी है अपनी, हाउस बोट जो है वो बुक हो ली है, ठीक है। डे राइड भी कर सकते हो और आप ओवरनाइट स्टे भी कर सकते हो। डे राइड में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि डे राइड और ओवरनाइट में आपको एक फ़ायदा हो जाता है, आपको नाइट स्टे मिल जाता है, डिनर भी मिल जाएगा, ठीक है, और उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है रेट प्राइसेस में। तो ये जो है जी बोट, हाउस बोट, ये हमने बुक करी है। और इनका जो बकायदा है ना बोट्स का, आप देखोगे तो नंबर भी होता है। इसका नंबर है, देखिए आप देखेंगे तो KIVALPHB0547, ठीक है। तो ऐसे इन बोट्स का जैसे अपनी गाड़ियों का नंबर होता है रजिस्टर्ड नंबर, वैसे इनके नंबर होते हैं। तो ये जो है, आप पता है क्या, अगर आप ऑनलाइन बुक बोट्स देखेंगे ना, तो ये होती है एक डीलक्स बोट और एक मिलेगी आपको प्रीमियम वाली, ठीक है। उसमें क्या है, वो एसी होती है सेंट्रलाइज, बट वो जो है वो उसमें अपर डेक होता है जहाँ पे ओपन एरिया होता है, अदरवाइज़ नीचे से सारी बंद होती है क्योंकि एसी के कारण। बाकी हमने ली है डीलक्स बोट क्योंकि अभी फैंस हैं, तो एसी इसमें जो है शाम को 5:30-6 बजे ऑन होगा और सुबह जो है ऑफ होगा। जब तक ये मतलब स्टे करेगी अब पानी में, एक स्टिल एक ही जगह पे रहेगी, तब इसमें एसी चलता है, तो क्योंकि ये पावर सप्लाई आसपास से लेते हैं। तो ये है जी हाउस बोट, अभी हमने चेक इन किया है। यहाँ पर टीवी भी है, म्यूज़िक सिस्टम इवनिंग के लिए, और ये डाइनिंग है एरिया, यहाँ हम साइड में बैठ सकते हैं। अभी ये ओपन करेंगे इसको, और ये जहाँ पे ड्राइवर जो बोट के हैं वो बैठेंगे, यहाँ पे कैप्टन ऑफ दिस बोट। बार्गेनिंग पावर होनी चाहिए अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करोगे ना। वैसे तो मुझे नहीं लगता ये अच्छे अच्छी जो बोट्स हैं 10-12 हज़ार से कम तो कहीं भी नहीं मिलेंगी। ऑनलाइन भी आप देखोगे तो 12-15 ऐसे शो कर रहा था, बट ये हमें पड़ रही है अभी डिस्काउंटेड प्राइस 7,500, जिसमें हमने अभी और बार्गेनिंग करनी है, बकाया है अभी। You are reversing the boat. Yeah, I'm asking, like, you cannot move it like this. Not turn. U-turn. The boat was a big one. हाँ 100 feet है ना? हाँ। तो जी हमारी बोट है 100 feet लंबी, मिस्टर राहुल बता रहे हैं। और हेलो अमृता मैडम, कैसे हो, क्या ज्ञान सब राजी खुशी? तो ये है बैक वाटर्स, और अभी हम सीधा चलेंगे यहाँ से बिल्कुल कुछ दूरी पर जो है वेम्बनाड लेक है, वेम्बनाड लेक का साइट सीन करेंगे। तो दिस इज कुमारकम बर्ड सेंचुरी जस्ट एडजॉइनिंग टू द बैक वाटर्स। राहुल हाउ फार इज द लेक? नियर बाय इट्स वेरी नियर, आई थिंक वी आर अबाउट टू रीच इन वेम्बनाड लेक। देखिए लोग जो हैं
अपना ये छोटी हर तरीके की बोट मिलेगी आपको, छोटी से लेके बड़ी तक, वो छोटी छोटी बोट्स भी अगर वो वहाँ देख सकते हैं तो आप। और यहाँ से पीछे कोट्टायम सिटी है, कोट्टायम सिटी से अलप्पी जाने के लिए जेटी, जो बोट जेटी पॉइंट भी है यहाँ पे, तो बोट जाती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए वहाँ पे बोट अवेलेबल है। बाय रोड भी आप अलप्पी जा सकते हैं कोट्टायम से, और वहाँ से अगर आप जाना चाहते हैं, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। वेम्बनाड लेक, इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक और साउथ ईस्ट एशिया की सेकंड लार्जेस्ट, और इंडिया की तो लॉन्गेस्ट भी है। लेक अब मैं सेंटर में हूँ और ईस्ट में है कुमारकम, जहाँ रुके थे, जहाँ से हमने बोर्ड किया था। और उस साइड देखेंगे आप तो है ये आइलैंड, मैनमेड नहीं है, नेचुरल आइलैंड है, बस फॉरेस्ट ही है, कुछ नहीं है। और उसके वेस्ट में है वो है अलप्पी, अलप्पी उस साइड में होगा और कुमारकम इस साइड हो गया। तो अभी यहाँ पे हमने स्टे किया है, लंच किया है, और लंच के बाद जो है हम थोड़ा सा स्टे करने के बाद फिर थोड़ा सा जो है जो अलप्पी वाली साइड है उसके वहाँ पे साइट सीन के लिए चलेंगे। तो ये है वेम्बनाड लेक। ऐसे देखिए अलग अलग तरीके की बोट्स हैं यहाँ पर, जैसे वो वाइट बोट्स देख सकते हैं, वो ओबरॉयज़ का बोट है, 12 बेडरूम है उसमें। सो बड़े बड़े होटल्स की चेन्स के साथ, जितने बजट उसी के हिसाब की बोट, और ये चाइनीज़ फिशिंग नेट ये यहाँ देख सकते हैं लगे हुए सामने सारे में ये। अब हम वेम्बनाड लेक के ईस्ट वेस्ट साइड में हैं, अलप्पी वाली साइड में। अभी भी हम वेम्बनाड लेक में हैं, और ये जो आप पीछे ब्रिज के नीचे से तो वो देख सकते हैं रास्ता जो है, तो ये रास्ता जाता है, ये वाटरवे है बेसिकली, ये रास्ता जाता है कोचीन, तो कोचीन जाता है यहाँ से। और ये जो ब्रिज है ये आ रहा है कोट्टायम की साइड से, मतलब कुमारकम उस साइड है, तो कोट्टायम से ये गया अलप्पी रास्ता। अभी इवनिंग हो चुकी है और जो बोट का है स्टे का टाइम आ चुका है। अभी शाम को जो है बोट यहाँ एक रेस्टोरेंट है यहाँ रुकेगी, यहीं पार्क होगी ओवरनाइट, और क्योंकि यहाँ पे पावर सप्लाई अवेलेबल है तो जो है बोट में जो एसी है और इन्वर्टर वगैरह है तो सब चार्ज हो जाएंगे।
वाटर लिली, और कल रात शाम को तो ये बड़े सोए हुए थे और अभी जो है सुबह सुबह खिल जाते हैं। सुबह का टाइम है, दोपहर को अभी ये फिर सो जाएंगे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा यार इनके बीच में।